एक्सपेंड करूँगी और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि दो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट ही वो डिफाइन करूँगी। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली इन सच अ मैनर दैट देयर इज नो चेंज आइदर इन इट्स ट्रांसलेशनल मोशन और इट्स रोटेशनल मोशन, द बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस बॉडी पर किसी भी बॉडी पर साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं एक ऐसे मैनर में कि उस बॉडी की अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, अगर वो मोशन में है तब भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन में हो, मींस कि जैसे कार जिस तरह हमारे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उस तरह का मोशन कर रही हो, या फिर रोटेशनल मोशन यानी कि जिस तरह हमारा फ़ैन रोटेट करता है इस तरह रोटेशनल मोशन में हो, तब भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाती है। कि जब भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हमारे किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रही हो एक ऐसी वे में जिसमें बॉडी पर कोई भी चेंज ना आए, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, वाइब्रेटरी हो, रोटेशनल हो, या व्हाटएवर जो भी मोशन हो, वो बॉडी किसी भी चेंज किसी भी किस्म का चेंज उसमें ना आए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ बॉडीज देर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडीज़ की और फोर्सेस की मूवमेंट को देखते हुए हमारे पास टू कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं वो बॉडी पर वो इक्वल जीरो के इक्वल होनी चाहिए हमारे पास जितनी भी हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है कि हमारे पास टोटल हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है जो कि बराबर है F1 F2 F3 जो कि बराबर है जीरो की। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि अगर एक फोर्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर लग रही है, लेफ्ट हैंड साइड से लग रही है, और दूसरी फोर्स हमारी राइट हैंड साइड से लग रही है, तो उन दोनों का जो हमारे पास डायरेक्शन है वो एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव होगी। जैसा कि आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है F1 प्लस माइनस F2, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, F1 में से F2 माइनस कर देंगे तो ज़ीरो बचेगा। यानी कि जो हमारे पास थर्ड लॉ में ये बात तोड़ी थी कि एक फोर्स हमारे पास एक्शन की लगती है जो कि एक डायरेक्शन में होती है और एक दूसरी फोर्स लगती है जो रिएक्शन की होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का है कि फोर्स हमारे पास दोनों लग रही है, एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही होंगी वो हमारे ज़ीरो के बराबर होंगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी ये होती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क हमारे पास टर्निंग इफेक्ट जो होता है, किसी भी चीज़ का टर्निंग इफेक्ट, किसी भी चीज़ का एक्सिस के गिर्द हमारे सराउंड एक्सिस के सराउंड हमारे मूव करना वो टॉर्क कहलाता है जो टॉर्क की मदद से होता है। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क है जो कि इक्वल है T1, T2 और T3 के जो कि इक्वल है जीरो के। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि एक टॉर्क हमारा लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा है और एक टॉर्क हमारा राइट हैंड साइड से लग रहा है, या राइट लेफ्ट को तो छोड़ दें, एक टॉर्क हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक टॉर्क हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो उसको कैंसिल कर दिया। यानी कि अगर एक हमारे पास T1 प्लस का है तो एक हमारे पास माइनस का है, प्लस और माइनस यानी माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, तो जब एक T1 में से दूसरा T2 माइनस हो गया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टॉर्क था वो ज़ीरो आया। यानी कि जो हमारी बॉडीज़ का सम था, बॉडीज़ पर लगने वाले टॉर्क का जो सम था वो ज़ीरो के बराबर होता है।